बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मरियम नवाज के बारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की नई ऑडियो लीक हो गई, जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। मीनारे पाकिस्तान जलसे में संगीन खतरात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में किए जाने वाले इकदामात के खिलाफ न सिर्फ पूरी कौम को आगाह किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने फौरी तौर पर आकर इसलिए खिताब नहीं किया था ताकि मैं गुस्से में कोई ऐसी बात ना कह दूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, बहरहाल दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ नए मुकदमात कायम किए गए हैं, बल्कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मुहसिन नकवी की जानिब से धमकी देते हुए कहा गया है कि पुलिस को मैंने फ्री हैंड दे दिया है और पुलिस वालों की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ तोड़ देंगे। अब बहुत हो गया, सबकी गलत फहमी दूर करेंगे। इमरान खान पुलिस को गालियां भी दें और पुलिस सिक्योरिटी भी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत की रिट कायम करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है और पुलिस अपनी रिट कायम करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को पहले भी फ्री हैंड दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस में साफियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस की एक बड़ी तादाद इमरान खान पर हमला करने के खिलाफ थी और वो बिल्कुल आगे नहीं थे, बल्कि कुछ लोग आगे थे जो के अटैक कर रहे थे। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से अदालत के बाहर कत्ल किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए राणा सनाउल्ला की जानिब से कहा गया कि इमरान खान की जानिब से झूठा दावा किया जा रहा है, उन्हें जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का प्रोग्राम नहीं था। पुलिस को फहरिस्त के अलावा लोगों को जुडिशियल कम्प्लेक्स आने से रोकना था और मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन के मुताबिक नहीं होगा। दो सूबों में सियासी हुकूमतें होंगी, ऐसे इलेक्शन के नतीजे हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने मरियम के बारे में घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनके दिल में बुग्ज़ का नतीजा है। हालांकि दोस्तों, मरियम नवाज की जानिब से जो फूल निछावर किए जाते हैं उसकी हर तकरीर के अंदर 90-95% जिक्र ही इमरान खान का होता है और उसमें जो घटिया जुबान इस्तेमाल की जाती है इस पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ती। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम करने के लिए पुलिस को मैंने फ्री हैंड दे दिया है, पुलिस की तरफ जो हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता से 5-7 दिनों में होने वाले वाकयात पर GIT बनाने का फैसला किया, किसी को हक नहीं कि पुलिस पर इल्जाम लगाए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मुहसिन नकवी का कहना था कि अगर किसी को IG और DIG पर एतमाद नहीं तो पुलिस की सिक्योरिटी वापस कर दें। सियासी सरगर्मियों की इजाजत है, ये नहीं होगा कि पुलिस वालों को गालियां दो और उन्हें कहा जाए कि वो सिक्योरिटी भी दें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब इमरान खान की जानिब से जो बुध के रोज मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया जा रहा है उसमें खतरात पैदा हो गए हैं कि उसमें दंगे फसाद हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से एक बार फिर हालात को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो पूरे मुल्क से वहां पे इकट्ठी होगी, तो ऐसे में अगर कोई पुलिस वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मारे जाते हैं तो अमन अमान की सूरत हाल को वजह बनाकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को मुलतवी करने की कोशिश की जा सकती है। और यही इस वक्त इम्पोर्टेंट सरकार का एजेंडा भी है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल ने भी नया कट्टा खोलते हुए कह दिया है कि इमरान खान को हटाने में फौज ने मदद की थी लेकिन अमेरिका का हाथ नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान कहा गया कि शाहिद खाकान, अब्बासी और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे दो, हम छोड़ देंगे। इमरान खान अच्छे लीडर नहीं, सियासतदान अच्छे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान एक बहुत अच्छा सियासतदान है, जितना अच्छा बयानियां उन्हें बनाना आता है शायद ही पाकिस्तान में किसी और को बनाना आता हो। जब उन्हें हटाया गया तो सबसे पहले बैरूनी साजिश कही गई, हकीकी आजादी की बात हुई, फिर अंदरूनी सियासत, बाजवा साहब की साजिश, फिर कहा कि मोहसिन नकवी की साजिश और आखिर में कारोबारियों पर इल्जाम लगाया गया। वो अपना रोज बयानियां बदल लेते हैं और उनके कॉलो फिल्म में बड़ा तजाद है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने तस्लीम किया कि इमरान खान की जानिब से जो भी बात की जाती, जो भी बयानियां बनाया जाता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हुकूमत बेबस हो जाती है। दोस्तों, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मरियम नवाज से मुतालिक बातचीत भी लीक कर दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्हें नाम लिए बगैर बादी नजर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुतालिक बात करते हुए सुना जा सकता है। इंटरनेट पर सामने आने वाली ऑडियो बजाय साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की है। इब्तदाई दुआ सलाम के बाद मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, इसका जवाब कोई अच्छी तरह दें, ये जो बातें करती है। दूसरे फ्रीक पूछते हैं कि किससे सर, और फिर जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कहा जाता है ये जो खातून बोलती है।
साकिब निसार फिर कहते हैं, सर इसके बारे में मैंने पता क्या सोचा था, फिर मुझे बड़े तारड़ साहब की एक बात याद आ गई, मियां कुतियां दे भौंकदा तू दूर खलोता रहे, यानी कुत्तों के भौंकते वक्त दूर खड़े रहो। ख्वाजा रहीम मुबैना तौर पर कहते हैं कि ये भी बात ठीक है, आपने ARY पर एक अच्छा जवाब दे दिया है। साकिब निसार मुबैना तौर पर बोलते हुए कहते हैं कि दूसरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे अंदर हौसला है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जाकर कंफ्यूज या डिप्रेस नहीं होता, जब जरूरत हुई तो आपको बता देंगे, आप कुछ कर देना, आपने कर देना मुझे पता है। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं मुझे बता देना, जो कहेंगे उसी तरह हो जाएगा। उसके बाद फैमिली का हाल अहवाल पूछने के बाद किसी दिन चक्कर लगाने की दावत के साथ ही ऑडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे मौके पर कि जब तमाम सियासी जमातें बुरी तरह से पिट चुके हैं, मरियम नवाज के लाड और नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, ऐसे में कभी इमरान खान की ऑडियो लीक होती है, कभी सदर पाकिस्तान की ऑडियो लीक होती है, कभी साकिब निसार की ऑडियो लीक होती है, कभी साबिक CCPO लाहौर की ऑडियो लीक होती है, यानी सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। मुल्क इस वक्त छिदी तरीन बहरानों का शिकार है, लेकिन हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। दोस्तों दूसरी जानिब निगरान वजीर अला पंजाब की जानिब से जिस तरह से पुलिस को फ्री हैंड देने का कहा गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में मीनारे पाकिस्तान जलसे के अंदर कुछ बहुत बड़ी बदनज़मी पैदा हो सकती है। निगरान वजीर अला की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि पुलिस ने किनाल रोड से टेंट उतारे, ट्रैफिक जाम हो रहा था, पुलिस और रेंजर्स भी वहां मौजूद थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अब जो पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस को कह दिया कि रिट कायम करने के लिए जो करना पड़े करें, इस रियासत की रिट कायम करें। IG पंजाब से कह दिया कि डेड लाइन दे दें, ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप रहें। निगरान वजीर अला ने कहा कि कोई सियासी कारकुन इस तरह की हरकतें करता है, इलीट के एहलकारों से असलहा छीना गया, गाड़ी को नहर में फेंक दिया गया, मुजाहरीन ने एलिट की गाड़ी को रोका, एहलकारों पर तशद्दुद किया, दो रोज किनाल रोड को क्लियर करवाया है। उन्होंने कहा मैं इस एरिया को हम खोलेंगे, हमारी कोशिश है माहौल खराब ना हो और ना ही कोई जानी नुकसान हो। उन्होंने कहा मैंने IG को कहा कि इनसे बात करें, पुलिस को कहा कि अब हुकूमती रेट कायम करें, अब जो कानून तोड़ेगा उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूं, अब अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसका भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा सियासी मामला चलाएं, लेकिन इस तरह की हरकतों की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया है जिसमें तफसीलात भेज रहे हैं, किसी को इजाजत नहीं देंगे। पुलिस एहलकारों को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। निगरान वजीर अला ने इमरान खान के नाम पैगाम में ये भी कहा कि अगर आपको पुलिस पर एतमाद नहीं तो सिक्योरिटी वापस कर दें, रोज पुलिस अफसरान को धमकियां दें और सिक्योरिटी भी दें, ये मुमकिन नहीं है। PTA से दरख्वास्त की है कि इस तरह के मामला चलाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि पैगामात और ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें पुलिस एहलकार उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं। पुलिस एहलकार उन्हें कह रहे हैं कि सर्च वारंट है, हमारे साथ चलें। आज तक सर्च वारंट पर अमल दरामद नहीं करवाया। पुलिस एहलकार इमरान खान के घर के अंदर नहीं गए। अगर कोई पेट्रोल बम चलाएगा तो क्या करें? पेट्रोल बम गिराने की वीडियोस भी मौजूद हैं। मुसलसल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों ने अगर सब्र ना किया होता तो फिर देखते, अब बस हो गई है और कितना सब्र करें। यानी अब उनकी जानिब से इशारा दिया गया है कि इसके बाद हम किस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस जब सर्च वारंट लेकर जाती है तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मुसल्ला एहलकारों को साथ लेकर जाते हैं और जोर जबरदस्ती करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पुलिस की जानिब से जिस तरह से इस्लामाबाद में किया, वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है। क्या आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस जा क्या रही है? दोस्तों हकीकत ये है कि इस वक्त PDM सरकार के होश उड़ चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब वो इमरान खान को रोकें तो कैसे रोकें, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की जिद बन चुके हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह हाफिज़।